हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान का संपूर्ण पेपर हल इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। यानी आप सभी का 20 मार्च 2024 को विज्ञान का पेपर है, ठीक है। विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 का आप सभी का पेपर है 20 मार्च 2024 को। विज्ञान संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10 के लिए, उन सभी को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के साथ मैं करवाने वाला हूँ। वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको 20 मार्च 2024 के पेपर में हुआ आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। आपको सभी मॉडल पेपर यानी आरबीएससी 10th क्लास सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है rjstudymonitor.com, जिसके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट को विजिट करें। तो सबसे पहले इस मॉडल पेपर को हम हल करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इनमें से जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपको प्रश्न बताऊंगा, वही प्रश्न 20 मार्च 2024 विज्ञान के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नए पेपर पैटर्न अनुसार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है, जो पेप्सिन एक एंजाइम है उसके द्वारा पाचन किया जाता है, तो किसका पाचन किया जाता है? तो वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फिर जल का? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर च, ठीक है। यानी पेप्सिन जो एंजाइम है उसके द्वारा प्रोटीन का क्या किया जाता है? न्यूट्रिज्म किया जाता है, यानी पाचन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कौन से शरीर के कौन से भाग में होती है? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मस्तिष्क में, श्वास नली में, जननांग जो होते हैं उनमें या फिर अग्नाशय में। तो यहाँ पर श्वास नली में जो यहाँ पर पीयूष जो ग्रंथि है वो पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस आपको 20 मार्च 2024 के पेपर में मिलने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस जो आपको मिलेंगी। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं वो कौन सी ग्रंथियाँ होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नलिका युक्त जो ग्रंथियाँ होती है, अम्लीय ग्रंथियाँ होती है, क्षारीय ग्रंथियाँ होती है या फिर नलिका रहित ग्रंथियाँ होती है, चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो जाएगा नलिका रहित। कौन सी ग्रंथियाँ होती है? नलिका रहित ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ होती है? नलिका रहित जो ग्रंथियाँ होती है वो यहाँ पर द ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं F2 जो पीढ़ी के पौधों का जो बोनाफन है वो अप्रभावी लक्षण है, उपरोक्त दोनों है, प्रभावी लक्षण है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर अप्रभावी लक्षण है। कौन सा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन कौन चित्र में होगा, ठीक है, परावर्तन कौन है वो चित्र में कैसा होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो कैसा होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर देखिए इसका जो परावर्तन है, ठीक है, यहाँ पर आपको मानना है, ठीक है, इसका कैसे होगा? तो यहाँ पर परावर्तन कौन कैसे बनेगा, ये जो 25 है इसका परावर्तन होगा वो 65 होगा, ठीक है, कैसा होगा? 65 डिग्री का परावर्तन कौन बनेगा? द ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप जो ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी के सामने। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। 20 मार्च 2024 को विज्ञान पेपर से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न पेपर में मिलने वाले हैं वह सभी प्रश्न आपको हमारी क्लास से ही देखने को मिलेंगे। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको हमारी क्लास में नहीं करवाया हुआ होगा। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान लो नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग होता है, तो कितना होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1.8 गुना होता है। कितना होता है? 1.8 गुना होता है, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जब किसी चालक तार से विद्युत प्रभावित होती है तो गतिशील कण में होते हैं क्या? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका जो सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जब चालक तार से विद्युत जो प्रभावित होती है तो उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान में
रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी में संयोजित है। 100 वाट के बल्ब में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 40 वाट के बल्ब से प्रभावित धारा का जो मान है वो कितना होगा, तो ये मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो 1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, बेंजीन का रासायनिक सूत्र, इसी प्रकार से बेंजीन का बहुत सारे ऐसे हैं, प्रोपीन, ठीक है, उन सभी का पूछा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर C6H6, ये क्या है, बेंजीन का, किसका, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है, किसका है, बेंजीन का। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है, किरोसिन के तेल में एक ऐसी धातु है जिसको डुबोकर रखा जाता है क्योंकि वो हवा से संपर्क बना लेती है, तो ऐसी कौन सी धातु है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो एक ऐसी धातु है जिसको किरोसिन में दबोकर रखा जाता है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का जो रासायनिक जो नाम है वो क्या हो जाएगा, के, ठीक है, ये इसके पोटेशियम का रासायनिक नाम है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किसके द्वारा, जैविक प्रक्रम के द्वारा, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव निम्नीकरण, क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जैविक प्रक्रम के द्वारा क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, अपच का उपचार करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंटीसिड, किसका किया जाता है, कौन सी औषधि है, एंटीसिड, इस औषधि का उपयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिकाएं, ठीक है, प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, वो आपको एग्जाम के पेपर में मिलेगा, ठीक है, तो एक होती है, कितनी होती है, एक होती है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 20 मार्च 2024 के पेपर, विज्ञान के पेपर में आपको हुबहू यहाँ पर मिलने वाले हैं। विज्ञान के प्रश्न जो होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका आपको सटीक आंसर देना है, आपको कोई ज़्यादा फालतू नहीं लिखना है, सटीक आंसर देने की कोशिश करनी है, पॉइंट वाइज आंसर को लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। धमनी की भित्ति मोटी तथा, ठीक है, ये ओपी यहाँ पर जाएगी, कैसी होती है, धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और कैसी होती है, लचीली होती है, कैसी होती है, लचीली होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु विद्युत अपघटेशे, ठीक है, कैथोड पर, किस पर, इसका हो जाएगा कैथोड, कैथोड पर निष्पेक्षित हो जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर किसको रोका जा सकता है, गर्भधारण को रोका जाता है, किसको रोका जाता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है, कैसी युक्तियां अपनाकर, गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग जो सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा का, ठीक है, जिससे एक मंद खाद्य अम्ल का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल होगा, टार्ट्रिक अम्ल। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव कौन सी दिशा है, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से संयोजित करते हैं जिनके मध्य विभवांतर मापना जाता है, तो उपभोक्ता संयोजित, ठीक है, इसका आ जाएगा, नहीं उपभोक्ता नहीं आएगा, इसका आ जाएगा समांतर क्रम, किसमें, समांतर क्रम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, ठीक है, तो उपभोक्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के जो प्रश्न के जो आंसर है वो आपको वन लाइन में अच्छे से देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीसिड के रूप में उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने में किया जाता है इसका उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग, ठीक है। एनोड पंख किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आपको विषम परमाणु, ठीक है, विषम जो परमाणु है वो किसे कहा जाता है, एल्किनो का सामान्य जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो एल्किनो का सामान्य जो सूत्र है वो CN-2N, ये किसका है, एल्किनो का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नर और मादा युग्मक के शलयन से बनी जो संरचना है उसको क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं युग्मनज, ठीक है, क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ये इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव अनंत के मध्य रखने वाली उसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर कहाँ पर बनता है, तो उस दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये इसका जो है यहाँ पर सही आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस के प्रचाकिक प्रकाशिक केंद्र का क्या अभिप्राय है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सभी जो यहाँ पर दिया गया है, डिस्पोजल प्लास्टिक रूप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ है, ये जो आंसर है ऐसे आपको 100% आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। कागज के डिस्पोजल कपों का निस्तारण आसानी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इस प्लास्टिक का जो डिस्पोजल का जो निस्तारण है वो बहुत ही कठिन है, न के बराबर है, ठीक है, तथा इन्हें पूर्ण संकरण कर उपयोग भी किया जा सकता है, कागज को पूर्ण संकरण करके उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक को पूर्ण संकरण कर उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी रिसाइकल किया जा सकता है, किसको, कागज के डिस्पोजल को। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर कुछ आपको चार आपको शब्द सीमा 50 में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। सोडियम पोटेशियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसका जो कारण है, जो स्पष्ट जो कारण है वो आपको लिखना है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, अच्छे तरीके से सटीक पॉइंट वाइज आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है, आप आसानी से, ठीक है। धातु का जो ज्वलन जो ताप है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं जो धातु होते हैं उनका जो ज्वलन जो ताप है ना वो क्या होता है, कम होता है, ज्वलन ताप कम होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके कारण वायु और नमी से संपर्क में आते हैं, यदि जो सोडियम है और जो पोटेशियम है वो नमी या हवा के संपर्क में आ जाते हैं ना तो वो आग पकड़ लेते हैं, इसी कारण से जो केरोसिन जो तेल होता है उनमें डुबोकर इन रसायन को रखा जाता है, तो ये इसका सटीक आंसर होगा। इसी तरीके से आपको विज्ञान की और भी क्लासें मिलेगी 20 मार्च 2023 पेपर के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को करवाया जाएगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।